भाई बहुत ही तगड़ी वाली बारिश होगी भाई, आगे कुछ नहीं, लोग रुकने लग गए, हम क्यों नहीं रुक रहे हैं। तो यार गाइस अपने डिस्क पैड भाई चेंज हो चुके हैं और भाई पुराने वालों की हालत देखो भाई। तो गाइस तुम्हारे भाई ने भाई गॉगल्स लिया, कैसा लग रहा है बताना भाई? चाह अमल लग रहा गाइस, चाह अमल चाहल की बीन की जब। अबे सिम क्या रखनी है, देना सिम भी भाई। भाई तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लेंगे थोड़ी देर। So, hey, hello guys, welcome to the new vlog. तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे यार। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो फाइनली गाइस अपन लोग रेडी हो चुके हैं और भाई चाची देखो यहाँ पर कपड़े वगैरह धो रही है। तो हमारी चीता भाई फुल सेट है, सब कुछ सामान वगैरह रेडी कर दिया हमने। तो भाई अभी अपन लोग जा रहे हैं अपने एक मित्र के पास, जो भाई जिनका देखा तुम्हें कैफे था मांडू वाला में। तो अभी उन्होंने कमलवा गांजा में कैफे खोला था, उनके पास जाएंगे और उसके बाद भाई अपनी चीता में गाइस अपने डिस्क पैड डालना है और फिर अपन लोग निकल जाएंगे भाई नैनीताल के लिए कमली और मैं। और कमली देखो जादू की तरह भी चेंज होने वाला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फाइनली गाइस अपने भाई लवाल कैफे के पास पहुंच चुके हैं। भाई क्या जाम लगा दिया इन्होंने। तो भाई देख रहे हो ये लौंडे पहली भाई हाई हेलो करने लग गए हैं। भाई दूर से ही पता चल रहा कि द लवाल कैफे एंड किचन। भाई साहब भाई ना नेक्स्ट लेवल, धारचूला मुंशारी जौहार वैली वाले भाई। क्या हाल है? नमस्कार, बढ़िया। और बताओ सर क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ? इनके यहाँ मिल रहा है चाउमीन, मोमो, पराठे और राजमा चावल। बड़ा अच्छा खुल रहा है तुमने, बधाई हो आपको शादी की भी और ये नए कैफे की। सो गाइस अपने दोस्त लवाल जी से मिल चुके हैं और भाई कमल ने भी अपना सारा सामान ले लिया है। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं भाई यहाँ से नैनीताल के लिए। तो भाई ये अपना हल्द्वानी शहर अपना। तो भाई यहाँ से शॉर्टकट पकड़ लेंगे अपन लोग लेफ्ट और भाई फ्यूल भी डालना है और भाई डिस्क पैड भी डालने हैं भाई रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, जो कि भाई रानी बाग पे है। तो यार गाइस कभी कभी शॉर्टकट का अंजाम देखो भाई, यहाँ देखो शॉर्टकट के चक्कर में लगे थे और भाई बारिश का मौसम भी हो चुका है, ऐसा ना हो कि भाई बारिश हो जाए और हम भीग जाएँ। चलो भाई ये शॉर्टकट हमें पड़ गया भाई लॉन्ग कट। अब और ज़्यादा मतलब पहले इतने दूर हम आए और भाई दोबारा उसी रास्ते जाना पड़ेगा अपने को। मतलब यार ज़िंदगी में गाइस ना कभी कभी चुनौतियाँ और चुनौतियाँ दोनों ही साथ चल रही होती है। तो गाइस भवाली भीमताल काठगोदाम भाई नैनीताल तो दिखाई नहीं है, बारिश देख रहे हो कितनी खतरनाक होने लग गई है। तो भाई पहले अपनी चीता की पेट पूजा करवा लेते हैं। भाई कोई पूछ ही नहीं रहा अपने को यहाँ से, अंकल बोल ले हमारे पास आओ। गर्मी हो रही थी बहुत, बारिश हो गई है, तो कैसा लग रहा है आपको बारिश होने के बाद? कैसे लग रहा है, नीचे है कुछ? नीचे बारिश नहीं हो रही है, अच्छा इतना ही है। नैनीताल रोड में है, वहाँ भी नहीं है, फुल कर दो ना, उतर मत अभी, रुक जा एक मिनट, रुक जाओ। कितने में फुल होती है अपनी चीता देखते गए? हमने 1300 रुपये 1200 रुपये का फ्यूल लाया था जब अपन देहरादून से निकले थे और भाई देखते हैं कितने का फ्यूल हमारी गाड़ी ने पिया है देहरादून से यहाँ आने में। अपनी चीता कितना माइलेज दे रही है गाइज ये चेक करेंगे अपन। हल्के 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 छलक जाएगा। 725 कर दो, बस 750 कर दो। सो गाइज 750 में भाई हमारी चीता फुल हो चुकी है। भाई अभी अपन लोग हैं रानी बाग में। तो भाई ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम। तो भाई यहाँ से रास्ता आगे से हम थोड़ा गलत आगे थे, मतलब रॉयल इनफील्ड के भाई जहाँ भी आप सर्विस सेंटर देखोगे ना बहुत ही मस्त आपको देखने को मिलेंगे। भाई बारिश प्लस रॉयल इनफील्ड प्लस आशिकी, ये बढ़िया था भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो भाई अपना डिस्कट चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो भाई अभी तब तक वेट करते हैं अभी बारिश में। कमली भाई को देखो भाई कितना भीग गया है। तो यार गाइस अपने डिस्क पैड भाई चेंज हो चुके हैं और भाई पुराने वालों की हालत देखो भाई, पुराने वाले भाई पूरे खत्म हो गए थे, ब्रेक लग ही नहीं रहे थे, तो इसलिए भाई तुम्हारा भाई आगे ब्रेक पर चल रहा था। तो गाइस हम लोग बारिश में निकलने वाले हैं अब जाके नैनीताल के लिए। अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम है ना गाइस, मैंने जहाँ भी देखे ना, मतलब देहरादून में क्या हल्द्वानी में क्या, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था, बट भाई सर्विस बहुत ही मस्त है भाई। आगे कुछ नहीं, लोग रुकने लग गए, हम क्यों नहीं रुक रहे हैं भाई? बहुत ही तगड़ी वाली बारिश होगी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली भयंकर की। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं भाई नैनीताल और भाई नैनीताल का वेदर देखो गाइज, और बारिश अभी बंद हो चुकी है और भाई फॉगी फॉगी सा वेदर भाई, और मतलब आगे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब पूरे का पूरा भीग चुके हैं भाई, ठंडा बहुत ज़्यादा तेज होने लगे। और ये है भाई अपना बस स्टैंड और भाई मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद भाई हम आ चुके हैं नैनीताल में भाई। मतलब यहाँ पर को आने के बाद ना जो भाई दिल को सुकून खुशी मिलती है ना गाइज, वो नेक्स्ट लेवल मिलती है भाई। तो भाई अपनी मॉल रोड है आज, भाई हम मॉल रोड में घूमेंगे भाई, यहाँ पर आगे ना भाई एक अलग ही एनर्जी है भाई। और भाई अभी साइज से भाई वोटिंग वगैरह नहीं हो रही है, पानी बढ़ रखा है, हाँ पानी बढ़ रखा है थोड़ा भाई, ठंडा भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइज। तो गाइज ये अपना ऊपर जू वाली रोड पर अपना होटल है इस बार भाई, पहले गाड़ी को आने देता हूँ क्योंकि अपने साथ अपने बक्से भी है गाइज। तो गाइज ये अपना होटल चित्रकूट। तो भाई चित्रकूट होटल पर आ चुके हैं अपन लोग
भाई अपनी चीता को पहले लगाते हैं यहाँ पर, पेनियर्स निकालते हैं इसके। यार होटल है क्या भाई? हमारे होटल है अंदर बुलाना जरा उनको। तिलवाड़ा के हो गया? अरे वाह यार, अभी तो आया हो परसों वहाँ से। अच्छा देखा था ब्लॉग? अरे वाह यार भाई, अपना सब्सक्राइबर निकल गया भाई। सो गाइज, तुम्हारे भाई ने भाई पेनियर्स निकाल दिए भाई, अब जाके टैंक बैग भी निकाल ही देते हैं। और भाई ये गोपुर भाई बार बार भूल जा रहा हूँ मैं इसी में गाड़ी पे ही। तो गाइस ये आज का हमारा स्टे, और वो अपना भाई सिंगल रूम है वो भी देखा मेरे को तो। पहुंच के भाई नैनीताल भाई, देखो पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो भाई फटाफट चेंज करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर जाके मिलते हैं। हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो गाइस रेडी हो गए भाई, हम लोग आ चुके हैं लेक में, और भाई व्यू देखो भाई एक बार। और भाई बोटिंग भी हो रही है, मतलब दिख नहीं रहे लोग ना, मतलब एक दो लोग बोटिंग कर रहे थे यहाँ पे भाई। एक नंबर मस्त मजा आ रहा है, और भूख लग रही है, पहले कुछ खाएंगे, भुट्टा वगैरह खाएंगे, और भाई यहाँ से आएंगे सीएसडी, मतलब चाय सुट्टा बार, चाय वगैरह पीते हैं भाई। व्यू ना अल्टीमेट भयंकर। सोचा था कमल तूने ऐसा होगा, मतलब हल्द्वानी में जब हम लोग थे ना भाई, इतना मतलब इतनी गर्मी उड़ थी, वहाँ से यहाँ का बेहतरना बिल्कुल अपोजिट है, मतलब बहुत मस्त है। अगर आप लोग आते ना गाइस फोटो वगैरह लेके आना। तो यार गाइस पहले ना अपने को भाई अपने फोन में टेम्पर्ड भी लगाना है, क्योंकि मेरा फोन काम ही नहीं कर रहा था भाई, पूरा पानी घुस गया था, टेम्पर्ड टूट रखा था पहले से ही, तो टेम्पर्ड निकाल दिया मैंने। मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। तो गाइस तुम्हारे भाई ने भाई गॉगल्स लिया, कैसा लग रहा है बताना भाई? मतलब ये तो चश्मे लग रहा है, ये वाला लग रहा है, लैपटॉप यूज करने के लिए बहुत बढ़िया है। और भी चश्मे इसमें सही लग रहा है पक्का, पता नहीं इसको क्या पसंद आ रहा है भाई, मेरे को भी ठीक ही लग रहा है, पर सही है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और यहाँ पर हम मोमोज यार, मोमो खाएं कि बिरयानी खाएं समझ नहीं आ रहा, मोमोज खाते हैं यार। तो यार गाइस आप मेरे आंखों में दूसरा चश्मा देख रहे होंगे, ये हमने एक्सचेंज करवा लिया भाई, वाला चश्मा ऐसा लग रहा था ना क्या बताऊँ, मैं ही हूँ पड़ाकू बच्चा ऐसा लग रहा था। तो यार गाइस हम लोग अपने जीजा जी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, बस सुकून में बैठे हुए हैं, और अब जाके सारी शॉप वगैरह भी खुल गया, भुट्टा खाएंगे मस्त, और चाय चाह अमल लग रहा गाइस, चाह अमल चाहल की पीन की जब ये देखो गाइस मछली, सारी मच्छियाँ हैं, और ये ऐसी लड़ाई कर रहे हैं कि भयंकर भैंस लड़ते हैं। चलो लड़ो, अरे कुछ लेके आए इनके लिए, इनके लिए कुछ लेके तो आ खाने का, कहाँ मिलता है वो। फाइनली अपनी चाय आ चुकी भाई, केसर वाली, ये लो गिरा मत देना। फाइनली गाइज न्यू गॉगल्स भाई, और अभी हम तीसरी बार हमने चश्मा ले लिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई शॉपिंग करने, और यहाँ जीजा जी को भाई साहब टी शर्ट दिला रहे हैं। टी शर्ट मुझे दिला देना भाई, आज नई टी शर्ट, आज मतलब सब कुछ कर लेता हूँ। चाय भी पी ली अपन ने, अब भुट्टा खाएंगे, मतलब जो मजा आ रहा है ना भाई नैनीताल में घूमने में, तेरे को आ रहा है? अब तो थोड़ी खा दे, अब हम सोच रहे कि वाला चश्मा एक्सचेंज करा ले, पहन ले तो भी अच्छा लगेगा, अबे अच्छा लगेगा भाई पहन ले। तो यार गाइस टेम्पर लगा दिया हम लोग ने, और इस पे भाई साहब प्राइवेसी वाला टेम्पर लगा रखा, मतलब जब ऐसे से कोई साइड से देखेगा ना दिखेगा नहीं। अब भैया लगा रखा मात्र कितने रुपए में? 300 रुपए में। और कमल का फोन तो भाई नेटवर्क आ नहीं रहे, तो कमल ने ही दे दिया फोन, तो कल को मिल जाएगा। 500 रुपया खर्चा फोन पे लग चुका है, और भाई बारिश होने लगी अब दोबारा से, जाने का यार छाता छाता फेंटे पड़ी गई क्या? तो गाइस बारिश होने लगी बहुत तगड़ी वाली। अबे सिम क्या रखनी है, दे देना सिम भी भाई। भाई तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लेंगे, थोड़ी दिन नेटवर्क आ नहीं रहे बेचारी, वो भी खुश जाएगी, चलो किसने तो फोन उठाया। अभी हम लोग आ चुके हैं अनुपम रेस्टोरेंट में भाई, अभी से हम लोग डिनर कर रहे हैं कि भाई भूख लगने लगी है, और अभी सही टाइम हो रहा है भाई 6 बज रहे हैं, और 6 बजे ही भाई हम लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद रूम पे जाना है। क्या खाएगा? बटर चिकन। तो गाइज कमल की फरमाइश में आ रहा है बटर चिकन, बटर चिकन सही है बेस्ट। तो गाइज बेस्ट प्लेट गंदी हो रही है, गंदी नहीं है डिजाइन हो, पता चल गया था आज तो पहली बार ही बैठा। हाँ अनुपम में पहली बार बैठा हुआ मैंने, यहाँ पर बटर चिकन खाया बहुत मस्त है, बटर चिकन बहुत ही बेस्ट है। तो यार गाइस ये आ गया भाई अपना बटर चिकन, और भाई बटर नान टूट पड़ो। ये रशार किसने बनाया होगा इसको? रशार है अपने घर का। सो फाइनली गाइस डिनर करके भाई अपन लोग आ चुके हैं भाई रूम पे, और ये देखो भाई क्या सिस्टम बैठा रखा हमने, कपड़े कुपड़े भाई सूख रहे हैं इसे, ये कपड़े भाई पूरे भीग चुके हैं, और कमली भाई देखो यहाँ पर अपनी क्या बोलते हैं वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं, अपनी शादी की वीडियो, अपनी नहीं लोगों की शादी की वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं, और हमारा ब्लॉग एडिट चल रहा है यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो का नहीं करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कपड़े नहीं मेरे पास, कपड़े सारे भीग गए, तो कल के ब्लॉग में हम घुमाएंगे आज आपको नैनीताल।